गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा सिंपल लिविंग। पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था मेरा कॉस्मेटिक कलेक्शन पार्ट वन, तो अब पार्ट टू में शुरू करते हैं मेरे पास क्या क्या है। फर्स्ट कलेक्शन में मैंने आपको अपना लिपस्टिक कलेक्शन दिखाया, अब आगे मैं आपको अपना लिप लाइनर्स और काजल कलेक्शन दिखाती हूँ। ये है लिप लाइनर, ये मैंने फॉरएवर 52 से मंगाया था, और ये है लाइट पिंक शेड लिप लाइनर का। ये देखिए भाई, ये है मेरा एवॉन का लिप लाइनर, इसकी शेड ब्राउन है। ये देखिए गाइस कितना स्मूथ टेक्सचर है, सिंगल स्ट्रोक में एकदम। ये है ओरिफ्लेम का, मेरा ओरिफ्लेम से मंगाया था मैंने, इसकी मैरून शेड है, पिंक मैरून। ये देखिए गाइस कितना स्मूथ चलता है, ये भी लिप लाइनर है। ये है मेरा शुगर का काजल आई कोहल, मुझे काजल बहुत पसंद है, और कुछ लगाऊँ ना लगाऊँ डेली रूटीन में, मतलब यहाँ कहीं मार्केट जाते टाइम मैं एक काजल और एक लिपस्टिक ज़रूर लगाती हूँ। तो ये इसके आप देख सकते हैं टेक्सचर, सिंगल स्ट्रोक में और बिल्कुल स्मज फ्री है। ये भी शुगर का काजल है, ये ग्रीन है, सी ग्रीन। ये देखिए गाइस सिंगल स्ट्रोक, आप इसको आईलाइनर के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं और काजल पेंसिल के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये है गाइस स्विस बीटी का वाइट काजल मेरा, आप इसको भी आई शेडो और काजल दोनों के जैसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए गाइस कितनी अच्छी स्मज है इसकी। गाइस ये है मेरा HP ब्रॉन्सन का लिप ब्रश, इसे मतलब लिपस्टिक फिलर ब्रश इसको बोलते हैं, लिपस्टिक वगैरह फिल करने के लिए बेस्ट है। अब मैं आपको अपना नेल पेंट कलेक्शन दिखाती हूँ। ये मैंने ब्यूटी पीपल से मंगाए थे, मैट वेलवेट मैट ब्यूटी पीपल, 5 नेल पेंट जो है मैंने वहाँ से मंगाए थे। ये देखिए कितना सुंदर नियॉन शेड है, नियॉन ग्रीन, इट्स नियॉन येलो, नियॉन पीच, मैट ब्लू, और ये हो गए। ये है नायका से मंगाया था मैंने, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लाइट पिंक शेड है। ये ग्लिटरी शेड जूस कंपनी का, बहुत ही अच्छा। ये फेसेस कनाडा का स्किन शेड, न्यूड शेड, मतलब पता ही नहीं लगता आपने नेल पेंट लगाया है नहीं लगाया, बहुत अच्छा कलर है। ये ग्लिटरी वाइट शेड किसी भी नेल पेंट के ऊपर कोट करने के लिए बेस्ट है। ये है ग्लैमकॉम का डार्क ब्राउन कलर, ये है ओशिया का मोव कलर, इसको मैंने करवा चौथ पे सूट के साथ मैच करके लिया था, अपने मोव कलर का सूट मैंने पहना था। ये है जूस का मिंट ग्रीन शेड, बहुत ही अच्छा है गाइज, आप एक बार इसको यूज़ करके देखें, मतलब इतनी अच्छी इसकी है ना, काफ़ी दिन तक रहता है नेल्स पे और जल्दी निकलता नहीं, और फुल ग्लॉसी और पूरा अच्छी शाइन देता है। ये था मेरा नेल पेंट कलेक्शन। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ अपना नेल एक्सटेंशन कलेक्शन। ये देखिए गाइस, ये ब्लैक कलर के ऊपर फ्लावर्स प्रिंट है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। ये दूसरा है, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था गाइस, नेल एक्सटेंशन अपना। ये पूरी नेल एक्सटेंशन का बॉक्स है, इसमें 150 पीस है नेल एक्सटेंशन के, ये मैं मार्केट से लाई थी। ये देखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ अपना आई शेडो कलेक्शन। ये है हुडा ब्यूटी का टोपाज, आप देख सकते हैं गाइस कितने प्यारे ब्राउन शेड्स हैं, ग्लिटरी शेड्स हैं, और ये देखिए आप इसकी स्मज दिखाऊँ मैं आपको, आप देखिए गाइस कितनी अच्छी स्मज है। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये देखिए कितना अच्छा है। नेक्स्ट है मेरा ये हुडा ब्यूटी का रोज़ गोल्ड पैलेट, इसमें आपको शेड दिखाती हूँ, हर तरीके के आपको इसमें शेड्स मिलेंगे गाइस, लाइट पिंक, डार्क पिंक, ग्लिटरी, रोज़ गोल्ड पैलेट है, पर्सनली मुझे ये पैलेट बहुत पसंद है। नेक्स्ट है मेरा हेवेंस का आई शेडो कम ब्लशर, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेरा प्रोडक्ट है। ये देखिए गाइस इसका मतलब इतनी अच्छी स्मज है ना, आप देख सकते हैं गाइस, ये देखिए ब्लश ऑन के लिए और आई शेडो के लिए परफेक्ट है।
नेक्स्ट है गाइज, ये मेरा ब्रशेस कलेक्शन, ये मतलब मेकअप करने के लिए ब्रशेस के लिए यूज़ करती हूँ। ये सब मैंने ब्रशेस ऑनलाइन मंगाए थे, ये पूरा 10 ब्रशेस का पिंक वाला सेट है, और हर टाइप का ब्रश है, आई शेडो ब्रश, फाउंडेशन ब्रश, और आपका हर एक चीज़, स्मजर आप देख सकते हैं, इनकी डेंसिटी देखिए कितनी अच्छी है, ये देखिए गाइज परफेक्ट है। ये है आई शेडो यूज़ करने के लिए स्पॉन्ज ब्रश, ये है हमारा जेल लाइनर लगाने के लिए, और ये है फाउंडेशन ब्रश गाइस, ये देखिए, ये मेरा ब्रशेस कलेक्शन है। मैं आपको दिखाती हूँ अपना बेस मेकअप, फेस का बेस मेकअप बनाने के प्रोडक्ट्स जो है मेरे पास। सबसे पहले है ये ब्यूटी को का रोज़ गोल्ड ऑयल, ये बहुत ही अच्छा है गाइस, डेली रूटीन में भी आप इसको नाइट के टाइम लगाइए, आपकी स्किन बहुत ही अच्छी नरिश हो जाएगी, एकदम मॉइस्ट करेगा आपकी स्किन को। ये भी मेरा ग्लिटरी ऑयल सीरम ही है, मतलब फेस पे लगाने के लिए फेस सीरम है, आप इसको मेकअप से पहले फेस पे लगा सकते हैं, अच्छा ग्लिटरी लुक देता है आपके मेकअप को। ये है गाइस मेरा फॉरएवर 52 से मैंने फाउंडेशन मंगाया था, अब देखिए बहुत ही अच्छा है इसका, मतलब बिल्कुल भी केक ही नहीं करता है। ये है मेरा आइकॉनिक का इल्यूमिनेटर, इसको आप जैसे फाउंडेशन में मिक्स करके लगाए बहुत ही अच्छा शाइनी लुक आता है, बहुत शाइन करता है फेस। ये है मेरा ओरिफ्लेम का प्राइमर, मेकअप से पहले आप इसको बेस के तौर पे लगाएं फेस पे, बिल्कुल ही आपके स्किन के पोर्स जो हैं वो सब कवर कर लेता है। ये है मेरा प्रो कंसीलर, ये है गाइस फॉरएवर 52 का कंसीलर, कम उसका काम करता है मेरा, क्या कहते हैं कंटोरिंग का भी काम करता है हमारा, ये देखिए फेसेस कनाडा का, ये मेरा फेस कॉम्पैक्ट है, ये देखिए गाइस फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट है, बहुत ही अच्छा है, मीडियम शेड्स के लिए परफेक्ट है। तो गाइस मेरी वीडियो हो रही है बहुत लंबी, गाइस वीडियो बहुत हो रही है लंबी, और मैं अपना मेकअप कलेक्शन पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और जल्दी ही हम अपना अगर पार्ट 3 बना तो जल्दी लेके आएंगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।